फॉर एडमिशन इन MBBS इन कजाकिस्तान प्लीज कॉन्टैक्ट फोन 8949841684। जयपुर से आए वरिष्ठ पत्रकार LP पंत ने कहा कि चिड़िया आई तो जाना मेरे कमरे में भी आसमान है। एक पत्रकार के दौर पर जब हम सरकार को जवाबदेह मानते हैं तो हमें आनंद आता है। हमारे पेशे में सबसे बुरी खबर हमारे लिए सबसे अच्छी खबर होती है, सबसे बुरा विषय हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। पूरी रात हम इन खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं। सुबह जब आप उन खबरों को पढ़ते हैं और आपके चेहरों की भाव भंगिमाएँ बेचैनी खुशी ही हमारी रात भर की मेहनत तय करती है। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है उसके दांतों में नहीं जबान में जहर होता है। जब हम इंसानी जहर को खबर के माध्यम से सबके सामने लाते हैं तब पाठकों का गुस्सा और बेचैनी के बाद वह अपना बयान वापस ले लेते हैं तो हमें खुशी होती है। जो सच आप अपनी आंखों से देखते हैं उसी को देखकर आपको सच्चा सुकून और शांति मिलती है। हम लोग आपको सच दिखा पाएं यही हमारे लिए शांति के मायने होते हैं। हमारे न्यूज़ रूम नेगेटिविटी से भरे होते हैं, वहाँ मौत की नंबरों के हिसाब से खबर का वजन तय होता है, उसी के हिसाब से उसे चेहरा देते हैं। बादलों को पता होता है कि जब वह बरसेंगे तो धरती को कितना सुकून मिलेगा। यही काम हम पत्रकारों का होता है कि कल सुबह जब पाठक अखबार पढ़ेंगे तो उन्हें कैसा सुकून मिलेगा, इसी को लेकर हम लोग रात भर मेहनत करते हैं। तो ऐसा समाज जब हम ऋग्वेद की और अन्य वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं तो ऐसा समाज जिसने महिलाओं को ये अधिकार नहीं बल्कि इस तक के योग्य माना जो कि समाज में कुछ भी स्थापित कर सकते हैं या बल्कि समाज को ही स्थापना करने का अधिकार उनके पास था और वेद की ऋचाएं लिखने का अधिकार भी उनके पास था और वो परंपरा आज अपने ब्रह्म कुमारी के रूप में सामने दिखाई देती है कि समाज में सही मापदंडों को स्थापित किया जाए। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत की वो सभ्यता वो संस्कृति जिसने समाज को दुनिया को सब कुछ दिया उसको मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ और उसमें वो सब इतिहास पढ़ने का और समझने का सौभाग्य भी हमारे ही श्री में आया। तो उस सौभाग्य में यही शामिल कि जो विचार लिख सकती थी, जो आध्यात्म को प्राप्त कर सकती थी, जो गुरु हो सकती थी, जो खुद दैविक शक्ति थी और उनके रास्ते में कोई ऐसा काम नहीं कर जो प्राप्त नहीं कर सकती, ये चीज देश की सभ्यता संस्कृति है। और उसका एक उदाहरण राजबाबे पंत जी के लिए मैं ये कहूंगी, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में जितने शक्ति से संबंधित शब्द हैं वो सब फैलने देते हैं। आप उठा के स्टेट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री रंजन गोगोई जी, इतिहास जानता है कि उन्होंने जो निर्णय लिए वो हमारे लिए कितने विशेष रूप से समाज को कितने प्रदाय। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन, हमारे पुरुष साथी और एक सब लोगों के लिए जिनके मन में आदर सम्मान के साथ से विकास की बात मुझे रहती है, हमारी भारत सरकार के मंत्री मीनाक्षी देवी जी Like many of you, including the members, the savers of this wonderful organization, from the class,
The details of the great sacrifice of man.